महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित ताड़ोबा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए सचिन तेंदुलकर फिर एक बार पहुंचे हैं। पिछली बार 21 फरवरी को सचिन अपनी पत्नी के साथ ताड़ोबा आए थे। तब वो जिस रिजॉर्ट में रुके थे उसके बाजू में स्थित अली झंझा गांव की जिला परिषद स्कूल में सचिन ने अचानक भेंट दी थी। उस समय स्कूल के छात्रों ने चौथी क्लास की किताब में कोलाज नामक पाठ जिसमें सचिन के जीवन चरित्र पर आधारित बायोग्राफी है पढ़कर सुनाई थी। खुद की बायोग्राफी छात्रों की जुबानी सुनकर सचिन भावुक हो गए। तभी सचिन और उनकी पत्नी अंजलि ने स्कूल के छात्रों को बैग और नोटबुक देने का वादा किया और आज लगभग 2 महीने बाद सचिन अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ ताड़ोबा पहुंचे और अपना वादा पूरा किया और अपने हाथों से छात्रों को बैग और नोटबुक वितरित की। क्रिकेट के भगवान भारत रत्न सचिन तेंदुलकर स्कूल में भेंट देने के लिए आने वाले हैं। ये सुनकर छात्रों और शिक्षकों में गजब का उत्साह नजर आ रहा था। सचिन जब स्कूल पहुंचे तो शिक्षकों ने सचिन का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। स्कूल में रंगोली निकाली गई। सचिन के आते ही उनके पांव धोए, तिलक लगाया गया और पुष्प गुच्छ देकर बड़े ही उत्साह के साथ उनका स्वागत किया गया। इस दौरान सचिन ने छात्रों से संवाद साधा, छात्रों को दी जा रही वस्तुओं को इस्तेमाल करने को कहा और खूब पढ़ने को कहा। सचिन भी छात्रों के साथ घुल मिल गए थे। सचिन तेंदुलकर गुरुवार से ताड़ोबा के बाम्बू रिजॉर्ट में अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ रुके हुए हैं। गुरुवार को कोलारा गेट से सफारी की तो वही शुक्रवार को उन्होंने कोवर गेट से सफारी की। इस दौरान सचिन को छोटी तारा नामक बाघ और 2 भालू के दर्शन हुए। सचिन 7 मई तक ताड़ोबा में है। छात्रों और स्कूल के शिक्षकों के लिए यह एक यादगार पल था। सचिन के स्कूल में पहुंचते ही सभी के खुशी का ठिकाना नहीं था। आम्हाला नेमकं सकाळी माहित नव्हतं, पण वेळेवर माहिती झालं की सचिनजी माननीय भारतरत्न सचिनजी तेंडुलकर आम्हाला भेट देणार आहे। आम्ही अगदी वेळेवर तयार झालो। विद्यार्थी तर खूपच आतुर झालेले होते त्यांची भेट घ्यायला, कारण मुलांच्या अभ्यासक्रमामध्ये त्यांचा एक कोलाज म्हणून एक पाठ आहे अभ्यासक्रमामध्ये आणि त्यांनी तो शिकलेला आणि त्यांची अशी खूप इच्छा होती मनातून की आम्ही एवढ्या मोठ्या खेळाडूला कधीतरी भेटू। कारण मुलांना माहिती होतं की आपल्याकडे ते गेटमधून भेट देतात, सफारीला जातात, एखादी वेळ तरी भेट घेतली पाहिजे आणि नेमका तो क्षण आला आणि मुलं एवढे आनंदित झाले की तो क्षण ते कधीही विसरू शकणार नाही। आणि खरंच भारतरत्न सचिनजी तेंडुलकर यांनी विद्यार्थ्यांना भेट दिली, त्यांच्याशी संवाद साधला, ते विद्यार्थी कसे आहे काय आहे त्यांच्याशी ते बोलले, पूर्ण शुद्ध मराठी भाषेमध्ये बोलले आणि विद्यार्थ्यांशी हितगुज केलं, पोरांशी सेल्फी घेतली, त्यांना त्यांचा आनंद द्विगुणित केला आणि त्यांनी एक आश्वासन दिलं की आम्ही पुन्हा एकदा भेट देऊ, तुम्हाला काहीतरी भेटवस्तू देऊ। आणि ते आज प्रत्यक्षात उतरलं, त्यांनी नेमके आज आले, सर्वांच्या आग्रहाने ते आमच्या वर्गामध्ये आले प्रमुख पाहुणे म्हणून। त्यांनी स्वतःच्या हाताने विद्यार्थ्यांना जे काही साहित्य आणलं, बॅगा आणि विद्यार्थ्यांचं जे लेखनाचं वगैरे आहे, नोटबुक आहे, असे पूर्ण साहित्य त्यांनी स्वतःच्या हाताने मुलांना वितरित केले। मुलांसाठी हा खूप आनंदाचा क्षण आहे आणि आमच्यासाठी सुद्धा, कारण आम्हीही हा क्षण कधीही विसरू शकणार नाही। चंद्रपूर के ताड़ोबा से BCN News के लिए सुनील ताळे की स्पेशल रिपोर्ट।